एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के हमारे इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो है छोटे छोटे टिप्स आपको देना जो रेगुलर बेसिस पे हम आपको देंगे। तो आज के इस वीडियो में जो टिप मैं आपको देने वाला हूँ, जब हमारी गाड़ी का इंजन जो है इस तरीके से डस्ट से पूरा भर जाता है और हम उसको सर्विस के लिए ले जाते हैं तो वहाँ पर पानी से पूरे इंजन को धो दिया जाता है अच्छे से। तो ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर वायरिंग्स हैं, अलग अलग इस पर ये वायरिंग्स लगी हुई हैं। ये हमारा ECU लगा हुआ है, यहाँ पे सबसे मेन मॉड्यूल है। ये पूरी गाड़ी के सेंसर्स को रन करता है, उनको जो एक्चुएटर्स हैं उनको कमांड देता है। तो ओवर द टाइम क्या होता है, ये हमारे इस तरीके से वायरिंग्स जो है ये खुल जाती हैं, घिस जाती है और कई बार तो बॉडी पे भी चिपक जाती है। तो इस कंडीशन में पानी से जब हम अपने इंजन की धुलाई करते हैं तो ये वायर्स जो है ये आपस में शॉर्ट हो जाती हैं और कोई ना कोई एक सेंसर काम करना छोड़ जाता है। तो जब भी हम अपनी गाड़ी को, गाड़ी के इंजन को खासकर पानी से धोएं तो उसको अच्छे से सुखा लें, उस पर अच्छे से एयर का कंप्रेशन जो है उससे पानी को ज़्यादा से ज़्यादा हटाएं और 15 से 20 मिनट के बाद कोशिश करिए कि आप गाड़ी स्टार्ट करें, नहीं तो कोई भी सेंसर आपका काम करना छोड़ देगा और गाड़ी धुलने के लिए आई थी वो और काम मांगने लग जाएगी। तो आई होप ये टिप आपको बहुत काम में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।